अटैचमेंट है ना कि पता नहीं कहाँ यूज़ करते हैं, शायद आईब्रोज के लिए यूज़ होते होंगे। इसको तो मैं टच करके रिस्क नहीं लूँगा, वैसे ही क्रूर से जैसा लगता हूँ, और इसको यूज़ कर लिया थोड़ा पड़ जाएगा मामला। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक नए प्रोडक्ट के ऊपर बना रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते आएँ तो मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ और उनके वीडियोज़ बनाकर आपके साथ भी जानकारी शेयर करता हूँ। तो बहुत दिनों से मुझे एक बॉडी ट्रिमर की ज़रूरत थी, जो कि मैं खरीदने की सोच रहा था, क्योंकि मेरा जो बॉडी ट्रिमर था उसको चूहा लेके भाग गया। वो एक लंबी स्टोरी, उसको कहीं किसी ब्लॉग में कवर करेंगे। अगर ब्लॉग्स को जो फॉलो नहीं कर रहा है या नहीं देखे तो ज़रूर जाइए, ब्लॉग सेक्शन की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, चेक करिए, मज़ा आया तो लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो आज मैंने जो प्रोडक्ट पिक किया है वो है मेरा मॉर्फी रिचर्ड का बॉडी ग्रूमर। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बॉडी ग्रूमर को लेने से पहले मैंने इसको ना काफ़ी कुछ सर्च किया ऑनलाइन इंटरनेट पर, बट मुझे ना इसके लिए कोई भी वीडियोज़ नहीं मिले। एक आ शॉर्ट्स मिला बट कोई भी डिटेल वीडियो नहीं मिला, और उसके बाद मैंने रिस्क लेके इसको ऑर्डर कर लिया। तो मुझे भी नहीं पता ये कैसा होगा। ब्रांड नेम तो अच्छा है मॉर्फी रिचर्ड का, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि बॉडी ग्रूमर होना चाहिए, चार्जेबल होना चाहिए, उसके बाद अटैचमेंट्स आने चाहिए और बढ़िया काम करना चाहिए। तो चलो आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट आया है, और यूज़ करके देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट आया है, अच्छा है नहीं, और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। चलो चलते हैं। तो ये रही अमेज़न की पैकेजिंग, इसको ओपन कर लेते हैं। बिल तो ये है मॉर्फी रिचर्ड का बॉडी ग्रूमर। इसका जो मॉडल नंबर है वो है किंग्समैन प्रो BG3509 12-in-1 बॉडी ग्रूमर। इसके साथ 12 अटैचमेंट्स आते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2995। मुझे कितने का पड़ा बता देता हूँ। अमेज़ॉन की मैंने सेल में ख़रीदा था इसको, और अभी 3 दिन पहले ख़रीदा है। इसमें आती है 2 साल की वारंटी। ऑल इन वन ट्रिमिंग सॉल्यूशंस है, कंप्लीट बॉडी ग्रूमिंग है, 120 मिनट्स का रन टाइम है, क्विक चार्ज इन 2 आवर्स, पूरी फुल बैटरी चार्ज हो जाती है, 16 स्टाइलिंग हो सकती है। मुझे पता नहीं किस किस तरह की होती है, बट मैं करूँगा तो पता चलेगा मुझे। डिटैचेबल एंड वॉशेबल ब्लेड है, तो यह वॉशेबल है, इसके ब्लेड्स को आप डिटैच कर सकते हो और वॉश कर सकते हो। चलो खोल के देखते हैं और किस टाइप का प्रोडक्ट है, दिखाते हैं आपको भी और खुद भी देखते हैं कैसा है। बॉडी ग्रूमर की पैकेजिंग अमूमन एक जैसी ही रहती है। देखो ये इस तरह से पैकेजिंग आई है इसकी। ये रखा है इसमें बॉडी ग्रूमर, और ये रखा है इसका कॉम, और ये रहे इसके अटैचमेंट्स। खोल के देखते हैं, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक एंड फील की। मेटालिक बॉडी है, ब्लैक कलर की, और यहाँ पर सिल्वर कलर की पियानो फिनिश दे रखी है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है हाथ में लेने में तो। अरे चार्ज भी है भाई, चार्ज भी है। कुछ इस तरह से ब्लेड को निकालोगे तो ऐसे करके इसका ब्लेड भी डिटैच हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इसके अंदर ना इसमें डेप्थ नहीं दी हुई है, इस ब्लेड के अंदर डेप्थ नहीं दी है। जनरली क्या होता है, मेरे पास फिलिप्स का था, क्रूबा का था और सिस्का का था, उसमें यहाँ एक डेप्थ दी होती थी, वो इसके अंदर जाकर फिट हो जाती थी, बट इस टाइप का नहीं है। ये बहुत ही ईजी लग रहा है मेरे को, सीधे इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से फिट हो गया। तो ये इसका अटैचमेंट हो गया। इसमें और भी अटैचमेंट है, आईब्रोज के लिए है, बॉडी ट्रिमिंग के लिए है, एक और ब्लेड दिया हुआ है इसके अंदर। समय को ख़राब ना करते हुए इसके लिए टेस्टिंग कर ली है, दिखाते हैं कैसा काम करता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ मैं आइडिया से कर रहा हूँ, होपफुली ठीक हो रहा होगा। ये मैं देख के कर रहा हूँ, हाथ के हाथ ही आपको दिखा देते हैं, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उसको रिटर्न भी कर देंगे। थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, हाँ जी आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पूरी 0.5 mm से लेकर 12 mm तक की ये क्लीनिंग कर सकता है, बहुत ही अच्छा है। शेव तो भी मेरी बढ़ी हुई, मैं इसको ट्राई भी नहीं करूँगा। इसको ट्राई करने के लिए मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको अभी ट्राई नहीं करूँगा। मेरी शेव थोड़ी सी हार्ड है, इसीलिए इसको मैं अभी ट्राई नहीं करूँगा, बाद में ट्राई करूँगा। बट मुझे ये लग रहा है कि इस ब्लेड को टेस्ट करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक काम करेगा। इसके साथ मैं आपको दूसरा अटैचमेंट दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला नॉर्मल ब्लेड जो मैंने आपको बताया वो वाला है, एक जो कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं वो ये वाला है, जिसको आप नोज़ ट्रिमर भी कहते हो, इसे आप नोज़ की ट्रिमिंग कर सकते हो। और जनरली यहाँ पर आपको हेयर ग्रोथ नज़र आती है, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो। मुझे ना यहाँ पर एक छोटा सा बाल आ जाता है, एक छोटा सा बाल हट गया, हट गया। 2 घंटे की चार्जिंग लेगा ये, 2 घंटे के अंदर ये आपको 120 मिनट का बैटरी बैकअप देगा। अब जैसे आप तो इसके आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इसको
ट्राई कर रहा हूँ और कहीं भी उसको छोटा सा भी अगर हेयर मिल रहा है तो मुझे इसमें क्लिक साउंड आ रही है, क्योंकि उसको प्लग कर रहा होगा या फिर उसको कट कर दे रहा होगा, ट्रिम कर दे रहा होगा, बस हल्की सी आवाज़ आ रही है। अच्छा काम कर रहा है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि यार इसकी ना आवाज़ ज़्यादा नहीं है, और जो ट्रिमर्स होते हैं उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, डिस्टर्बिंग होती है, ये उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, हल्की सी हमिंग साउंड है। ऐसे देखिए हेयर ग्रोथ बहुत हल्की सी है, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन जब मैं छूता हूँ तो मेरे हाथ में एक आध बार जो आ रहा था क्लियर हो गया, जो नहीं हुआ उसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो यार अच्छा प्रोडक्ट है ये। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि और होनी चाहिए थी, जो मेरे को नहीं नज़र आ रही है। पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर एक बैटरी इंडिकेटर होना चाहिए था, वो बैटरी इंडिकेटर मुझे इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेरे पास जो पुराना वाला था उसके अंदर बैटरी इंडिकेटर होता था, बट वो दूसरा ब्रांड का था, तो बैटरी इंडिकेटर से वो पता चल रहा है कितनी बैटरी बची हुई है अभी इसके अंदर, और बहुत अच्छा रहता है वो। लाइट वेट है बहुत ही ज़्यादा, देखने में मेटल फिनिश और हैवी लग रहा है, बट इतना हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है ये। ब्लेड्स भी अच्छे हैं इसके, काफ़ी स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स दिए गए हैं इसमें। अब मैं इसको यूज़ करूँगा ज़्यादा तो मुझे पता चलेगा कौन सा ब्लेड कितने यूज़ का है, किस यूज़ का है। तो मैंने भी ज़्यादा इसको और ब्लेड्स यूज़ नहीं किए थे, मेरे पुराना जो ट्रिमर था ना उसमें भी मैंने बस मेजरली मैं ये वाला ही या ये नोज़ वाला ही यूज़ करता था, इसके अलावा मैंने और भी कोई ट्रिमर यूज़ नहीं करा था। एक आध बार आफ्टर शेव मुझे ये वाला रेजर यूज़ करना, ये वाला अटैचमेंट यूज़ करना पड़ता था, इसको बॉडी वाला कहते हैं, ताकि ये जो हल्के हल्के से हेयर्स ग्रोथ रह जाती है वो उसको पूरा पूरा क्लीन कर देता है। बट इसमें मैं देख रहा हूँ कि साइड में भी कुछ ब्लेड्स दिए गए हैं, देखो साइड में कुछ ब्लेड दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके मैनुअल में पढ़ूंगा तो मुझे आइडिया लगेगा कि किस लिए हैं ये, तो इसके लिए मैं दोबारा एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसको निकाल देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या आया हुआ। ठीक है, डिब्बे के अंदर बहुत सारे कॉम आए हैं, कॉम दिखा देता हूँ मैं आपको, इन कॉम्स को कैसे यूज़ करते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा तो मुझे पता चलेगा। मुझे देखना ये था कि प्रोडक्ट मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा या नहीं करेगा। हाँ, अब इसको देखो, खोलते हैं इसके अंदर, देखते हैं और क्या आया हुआ है। इसके अंदर ये आई हुई है देखो, एक केबल, ये माइक्रो यूएसबी केबल, अगर टाइप सी वाली होती तो बहुत बढ़िया था, लेकिन माइक्रो यूएसबी केबल आई हुई है इसके अंदर। बट हाँ, चार्जिंग है, एज लॉन्ग एज में चार्जिंग दी गई है, बहुत अच्छी बात है। तो YouTube पे भाई इसका कोई भी वीडियो नहीं पड़ा हुआ, ये पहला वीडियो जो मैंने डिटेल बनाया है, इससे ज़्यादा सी क्या डिटेल हो सकती है। यूज़ करूँगा और ये ट्राई करके देखूँगा कि क्या ये सच बोल रहे हैं कि दो घंटे के अंदर चार्जिंग होती है और 120 मिनट आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैं देखूँगा कि इसकी बैटरी बैकअप पूरा पूरा जितना बता रहे हैं वैसा आता है नहीं आता है, इसके ब्लेड्स की जो लाइफ है कितनी रहती है, 6 मंथ्स में इसकी ब्लेड की जो धार है शुद्ध हिंदी में वो ख़राब तो नहीं होती है, ये ख़राब तो नहीं होता है वॉश करने के बाद, ये भी मैं ट्राई करके देखूँगा। इसके अलावा इन कॉम्स को भी यूज़ करके देखूँगा, और ये जो छोटे छोटे अटैचमेंट्स हैं ना ये पता नहीं कहाँ यूज़ करते हैं, शायद आईब्रोज के लिए यूज़ होते होंगे, इसको तो मैं टच करके रिस्क नहीं लूँगा, वैसे ही क्रूर से जैसा लगता हूँ और कहीं इसको यूज़ कर लिया थोड़ा पड़ जाएगा मामला। तो मेजर मैं यही वाला यूज़ करूँगा, ये बेयर को ट्रिम करने के लिए, साइड बोन्स को ट्रिम करने के लिए अच्छा, और मैं इसी के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे साइड बोन्स थोड़े से इस टाइप से हैं, तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार तो आप जा नहीं सकते ग्रूमिंग के लिए, और थोड़ा सा ये जो साइड्स होती है इनको भी ट्रिम करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और ये वाला अटैचमेंट मैंने आपको बता दिया, आफ्टर शेव यहाँ पर जो हल्के हल्के से हेयर ग्रोथ रह जाती है उसको भी क्लीन करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे टच करूँगा तो बाल भी इसके अंदर हिल जा रहे हैं, उसके बाद दर्द हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, प्राइस बता देता हूँ मैं आपको, अभी अमेजोन की जो सेल चल रही है ना वैसे ही आता है 2169 का, ये 2200 का पड़ता है, लेकिन अभी जो अमेजोन की सेल चल रही थी उसमें मैंने इसको लिया है 1599 ही बोल लीजिए। और आप अगर इसको बिग बिलियन डे सेल में लोगे शायद और सस्ता पड़ जाए, लेकिन उसके लिए वेट थोड़ी करोगे, कितना सस्ता हो जाएगा, 100-200 रुपये और सस्ता हो जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका रिटर्न टाइम पीरियड भी है हफ्ते भर का, तो अगर पसंद नहीं आएगा, अच्छा काम नहीं करेगा, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद मैं इसकी यूसेज से रिलेटेड ज़्यादा आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा अनबॉक्सिंग वाला और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर दो, इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर व्लॉग्स चेक नहीं किए हैं तो जरूर चेक करिएगा, और कोई फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक ध्यान, टेक केयर, बाय।